हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसियो CTX 9000 में ओबे की टोन को कैसे एडिट करते हैं। हमारे भैया लोगों ने बहुत कमेंट भी किया है कि ओबे की टोन का एडिटिंग वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओबे की टोन को कैसे एडिट करते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट से एडिट करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड को यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये हमारा कीबोर्ड ऑन हो रहा है, ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है स्टेज पियानो, यहाँ पे एक ब्लिंक नज़र आ रहा है, ये टच का है। इस टच को पहले नंबर में हम यहाँ से इस वाली बटन से बंद कर लेंगे। यहाँ पे ये टच है, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे टच बंद हो जाएगा। ये वाला टच यहाँ पे बंद हो गया। इसके बाद में हमको सिंपली लगा लेना है 313 नंबर की टोन। ये U1 लेयर है, इसमें लगा लेना है 313 नंबर की टोन। यहाँ पे ओबे लिखा होगा। इसके बाद में ओबे कई प्रकार के हैं, वो हम सारे ओबे इसमें एडिट करके दिखाएंगे। इसके बाद में दूसरे ब्लिंक यानी दूसरे लेयर पे जाने के लिए हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, अपर लेयर पे एक बार, तो यहाँ पे दूसरा लेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा लेयर जो है इसमें लगाने वाली टोन है, ये 414 नंबर की टोन को लगा लेंगे, ये दूसरे लेयर में आ जाएगी। इसके बाद में हम स्प्लिट वाला बटन जो है इसको एक बार दबाएंगे और यहाँ पे आ जाएगी 172 नंबर की टोन। तो यहाँ पे हमको चेंज करना है 122 नंबर की टोन को लगाना, 122 नंबर की टोन को यहाँ पे लगा लेना है। और इसके बाद में हमको चौथे लेयर पे जाने के लिए ये अपर लेयर दिखाई दे रहा है, इस पर थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो यहाँ पर चौथा लेयर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लगानी है 229 नंबर की टोन, यहाँ पे 229 नंबर की टोन लगा लिया है। और इसके बाद में हमको ऑक्टव पे जाना है, ये चारों लेयर हो चुके हैं, अब इसके बाद में ऑक्टव पे जाना है। ऑक्टव पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार बजा के देखेंगे। यहाँ पे ऑक्टव पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला ऑक्टव जीरो ही रहेगा। फिर दूसरे ऑक्टव पे जाने के लिए तीन नंबर वाली बटन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑक्टव दूसरा आ जाएगा यानी U2। पहले में U1 था, अब दूसरे में U2 है, U2 में भी जीरो रहेगा। इसके बाद में तीन नंबर वाली बटन से L1 पे जाएंगे, L1 यानी तीसरा वाला ऑक्टव जो है वो L1 है, इसको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा। इसके बाद में तीन नंबर वाली बटन से L2 पर जाएंगे, L2 ऑक्टव आ जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस से एक कर लेंगे। अब ये कॉर्ड का हो गया, यहाँ पे ये कॉर्ड लग जाएगा। इसके बाद में सिंपली हम इसको एग्जिट कर लेंगे, ये एग्जिट हो चुका है। अब इसके बाद में हमको फंक्शन में जाना है, एक बार फंक्शन वाली बटन को एक बार दबाएंगे, ये यहाँ पे दबा लिया, एक बार फंक्शन वाली बटन को यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ पे टच आएगा। टच तो हमारा पहले से ही ऑन है, ऑफ है, टच तो हमारा पहले से ही ऑफ है, और यहाँ पे टच को ऑफ ही रखना है। इसके बाद में एक नंबर वाली बटन, तीन नंबर वाली बटन से लेफ्ट राइट होगा, तो हमको एक नंबर वाली बटन से पीछे को बढ़ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडिया स्पीकर, ये सब आया। इसके बाद में थोड़ी सेटिंग करनी है, इक्वलाइज़र यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमें लाउडनेस कर देना है, 4 पे कर लेना है, यहाँ पे बेस देगा, 4 पे कर लेना है लाउडनेस। इसके बाद में एक नंबर वाली बटन से आगे को बढ़ेंगे, डिले आ जाएगा,
डिले को हम रखेंगे 16 नंबर का, ये 16 नंबर का आ गया डिले। इसके बाद में एक नंबर वाली बटन से आगे को बढ़ेंगे तो कोरस आ जाएगा, कोरस को 01 ही रखना है। फिर इसके बाद में हमको एक नंबर वाली बटन से पीछे बढ़ना है, रिवर्ब आ जाएगा, रिवर्ब को 15 ही रखना है, चाहो तो आगे पीछे कर सकते हैं जो अच्छा लगे वो रखें, पर 15 अच्छा है, 15 ही सही है, 15 सही है, तो 15 रिवर्ब को 15 ही रखेंगे। इसके बाद में एग्जिट कर लेंगे यहाँ से, ये एग्जिट हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पे ये सेटिंग एक दिया है, क्वार्टामेंटो वाला सेटिंग दिया है, इसको ऑन कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे इसको दबाएंगे तो यहाँ पे क्वार्टामेंटो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक बार फिर से फंक्शन वाली बटन में जाएंगे, अब यहाँ पे सीधे चले जाना है, ऑप्शन भी इसमें बहुत दिए हैं, यहाँ पे चले जाना है, इस पे चले आना है, सेंट्रलर पे इस पे आना है। इसके बाद में यहाँ पे इंटर कर लेंगे इसको, तो पैडल आ जाएगा, 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, पिच बैंड आ जाएगा, फिर 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, मोड डिसीजन आ जाएगा, इसके बाद में फिर से 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, यहाँ पे पोर्टामेंट आ जाएगा, इसको इंटर कर लेना है। यहाँ पे U1 में 20 ही रखना है। इसके बाद में 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, U2 में भी 20 रखना है। इसके बाद में 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, L1 आ जाएगा, L1 में 00 कर लेना है, ये तो कॉर्ड का है, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में 3 नंबर वाली बटन से आगे को जाएंगे, L2, ये भी कॉर्ड का है, इसको भी 00 कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम एग्जिट होने के बाद में यहाँ पे इसको अब पार्ट मिक्सर वाली बटन को एक बार दबाए रखेंगे, यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लिंक आ रहे हैं, पार्ट के छोटे छोटे ब्लिंक आ रहे हैं, तो अब पहला ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे 2 नंबर 5 नंबर वाली बटन को ऊपर नीचे होता है, तो 2 नंबर वाली बटन से नीचे को आएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब पहले वाले ब्लिंक में वॉल्यूम 127 है, अब दूसरे वाले ब्लिंक पे जाने के लिए हम 3 नंबर को यूज़ करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर दबाएंगे तो दूसरा वाला ब्लिंक आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला ब्लिंक होने लगा। अब इसको हमको इसकी वॉल्यूम कर लेना है 100 कर लिया, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम 100 कर दिया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर वाले ब्लिंक पे जाने के लिए अब 3 नंबर का ही यूज़ करेंगे, अगर पीछे ब्लिंक में जाना है तो 1 नंबर का यूज़ करेंगे, अगर आगे ब्लिंक में जाना है तो 3 नंबर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कर लेना है 70। इसके बाद में 3 नंबर वाली को यूज़ करेंगे, आगे जाएंगे, चौथा ब्लिंक होगा तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कर लेंगे 85, इसका 85 वॉल्यूम कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका इतना कर लेंगे। बाकी पांचवा वाला है, ये छठा वाला है, बाकी सारे ब्लिंक को यहाँ पे, ये तो 85 करना है, बाकी सारे वाले इसको हम 000 कर देंगे। पार्ट एक में वॉल्यूम रहेगी, 2 में रहेगी, 3 में रहेगी, 4 में रहेगी, बाकी सारे वॉल्यूम को 00 कर देना। इसके बाद में एक नंबर वाली बटन से फिर से यहाँ एक नंबर वाले ब्लिंक पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको दबा करके फिर से एक नंबर वाले ब्लिंक पे आ जाएंगे। इसके बाद में 2 नंबर वाली बटन से नीचे को आएंगे, पेन आ जाएगा, पेन सबका 0 ही रखना है, पेन में कुछ नहीं करना है। इसके बाद में 2 नंबर वाली बटन से नीचे को आएंगे, रिवर्ब आ जाएगा, रिवर्ब पहले वाले में 127 रखना है, दूसरे वाले में 127 रखना है, तीसरे वाले में 127 रखना है, चौथे वाले में 127 रखना है, बाकी सब में 000 कर देना है। रिवर्ब पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन, पार्ट चार में 127 रखना है, बाकी सारे रिवर्ब
ऑफ रहेंगे, यानी 000 रहेंगे। इसके बाद में एक नंबर वाली बटन से एक ब्लिंक पे आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। और इसके बाद में दो नंबर वाली बटन से नीचे को आएंगे तो यहाँ पे कोरस आ जाएगा। कोरस सब में ऑफ ही रखना है। ये चौथा वाला ऑन है, इसको भी ऑफ कर लेना है। इसके बाद में ये सातवां वाला ऑन है, इसको भी यहाँ पे सातवां वाले में जा कर के इसको भी 000 कर लेंगे। इसके बाद में नवा वाला ये है, इसको भी 000 कर लेंगे। फिर एक नंबर वाले ब्लिंक पे आ जाएंगे। इसके बाद में दो नंबर वाली बटन से नीचे को आएंगे, डिले आ जाएगा। डिले 40 रखना है, पहले वाले में 40 रखना है, दूसरे वाले में 40 रखना है, तीसरे वाले में 000 करना है, चौथे वाले में 000 करना है, पाँचवें वाले में 000 करना है। इसके बाद में हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब इसको देखेंगे। अब इसमें कार्ड में बेस नहीं आ रहा है, तो कार्ड में बेस लगाने के लिए हमको एकोम्प वाली सेटिंग पे जाना है। एकोम्प वाली बटन को एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है, ये एकोम्प ब्लिंक हो रहा है। इसके बाद में पार्ट मिक्सर वाले को एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे 19 कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद में प्लस माइनस वाली बटन को यूज़ करेंगे तो प्लस वाला एक बार दबाएंगे तो रिदम आ जाएगा। रिदम को इसको प्रेस कर लेना है, पार्ट को रिदम वाले ऑप्शन को प्रेस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे पार्ट वन आ जाएगा, यहाँ पे ब्लिंक करेगा और इसको दो नंबर वाली बटन से नीचे को आ जाएंगे। फिर वही सेटिंग में आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले वाले वॉल्यूम में 127 रखेंगे और दूसरे वाले वॉल्यूम में 127 रखेंगे, तीसरे वाले वॉल्यूम में 127 रखेंगे, बाकी सारे वॉल्यूम 40-40 कर देंगे। बाकी यहाँ से सारे वॉल्यूम यहाँ से हम 40-40 कर देंगे। पार्ट एक में 127 रखेंगे, पार्ट दो में 127 रखेंगे, पार्ट तीन में 127 रखेंगे, बाकी सारे वॉल्यूम 40-40 कर देंगे। अब नीचे को बढ़ेंगे। पेन सबका 00 रहेगा, रिवर्ब सबका 00 रहेगा, रिवर्ब सब में 00 रहेगा, किसी में कुछ नहीं रखना है। इसके बाद में दो नंबर वाली बटन से नीचे आएंगे, कोरस सबका 00 रहेगा, डिले सबकी 00 रहेगी। इसके बाद में एग्जिट कर लेना है। अब यहाँ से बेस आएगा, यहाँ पे कॉर्ड में बेस आ जाएगा, बेस आ गया। अब इसको एक बार प्ले करते हैं।